क्लासेस का जो मीडियम है ये ऑनलाइन होगा, लाइव होगा। तो 5 लोगों के आसपास का बैच होगा, 4-5 लोग की बैच में होते हैं। कभी कभी किसी बैच में 6 या 7 हो जाते हैं, वो हमारे पुराने स्टूडेंट जो रीज्वाइन करते हैं उसके वजह से बीच में बढ़ जाती है, बट एवरेज मेरा बैच साइज 5 होता है। अब बैच साइज 4-5 लोगों का होने के पीछे रीजन ये है, जैसे अभी आपके साथ मैंने बातचीत किया, आपके बारे में जाना, इसी तरह से हर क्लास में आपकी हर एक प्रॉब्लम को मैं समझूंगा, हर एक प्रॉब्लम के बारे में जानूंगा। अगर यही संख्या अगर मान लीजिए 500 होती या 100 होती या 50 ही होती, तो पता चलता कि आपसे बातचीत करने में ही मेरा 1 घंटा का टाइम चला जाए, 1 से 1.5 घंटा। तो इसलिए देखिए, कहने का मतलब है कि मैंने आपको आया और मैंने स्क्रीन पे दिखाया, कुछ कुछ करके दिखा दिया, कुछ कुछ बता दिया। मेरे भाषा में उसको बोलते हैं कि हम आए और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कहें, आपने कथा सुना और चले गए। इससे आप एक्सेल को जान तो जाएंगे बट नॉट ए बिकम एक्सपर्ट। जब ऑफिस के अंदर जो रियल लाइफ की चैलेंजेस आएंगे, वहां पे उस तरह की नॉलेज आपका काम नहीं आएगा। तो अगर आप किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं जो कि एक प्रॉपर एजुकेशनल सोसाइटी है, वहां पे आपको बुक्स और उनके बनाए गए नोट्स के जरिए आपको पढ़ाया जाता है, और उसका रियल टाइम प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि रियल टाइम प्रॉब्लम हर बार चेंज होते रहते हैं। इसलिए आपको एक ऐसी ट्रेनिंग चाहिए होगा जो कि एक ऑफिस से निकल के आई हुई, मतलब एक वर्किंग प्रोफेशनल से आप सीखें तो आपको अच्छा रहेगा। ये जस्ट मेरा ओपिनियन, और मेरी क्लासेस इसी इसी के इर्द गिर्द है। तो क्लासेस जून से होगी, क्लासेस की रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग के बाद वो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, नोट्स मिलेगा, जिस फाइल पे मैं समझाऊंगा उस फाइल को दूंगा, और आफ्टर दैट कोई भी क्वेश्चंस हुआ, डाउट हुआ, आप छोटी मोटी डाउट्स फोन करके पूछ लीजिए, बड़ी डाउट्स है तो आप नोट कर लीजिए, क्लास शुरू होने से पहले या खत्म होने के बाद अपनी क्लासेस को पूछ सकते हैं, सिंपल। अब यहां पे ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिक एक्सेल और एडवांस एक्सेल होता क्या है। देखिए, मैं यहां पे कैटराइज नहीं करूंगा कि ये ऑप्शन बेसिक है या ऑप्शन एडवांस है, वो ट्रेनर लोग जो टीचर लोग होते हैं वो कैटराइज करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि माइक्रोसॉफ्ट ने कहीं भी बेसिक और एडवांस का जिक्र नहीं किया है कि ये ऑप्शन बेसिक है, ये ऑप्शन एडवांस है, कहीं भी रिवील नहीं किया। अब चलिए एक एग्जांपल से समझाते हैं कि क्या होता है बेसिक, क्या होता है एडवांस। सिंपल सा एग्जांपल आपको देंगे। जैसे मैंने यहां पे 20 टाइप किया और यहां पे 30 टाइप किया, मैंने 20 को यहां से कॉपी किया, 30 के ऊपर पेस्ट किया, सिंपल से 30 रिप्लेस हो गया। चलिए मैं 30 रिप्लेस ना करके मैं पेस्ट स्पेशल कर रहा हूं, सॉरी रॉन्गली क्लिक हो गया, राइट क्लिक किया और मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, पेस्ट स्पेशल, लेकिन उसके मुझे कॉपी करना पड़ेगा, राइट क्लिक एंड पेस्ट स्पेशल। इन द पेस्ट स्पेशल हम यहां ऑपरेशंस को सिलेक्ट करते हैं, किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ऑपरेशंस को। ऑपरेशंस के अंदर में मैंने मान लीजिए ऐड को सिलेक्ट किया, अब क्या होगा कि 30 और 20 के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा, रिजल्ट आपका 50 आएगा। मैं एक बार और करके दिखाता हूं, पेस्ट स्पेशल में मैंने मल्टीप्लाई लिया, जहां से कॉपी हो रहा है वहां पेस्ट हो रहा है, उसके बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा और रिजल्ट 1000 पेस्ट होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इसका बेनिफिट क्या हुआ, आखिर इसका बेनिफिट क्या हुआ, मतलब क्या सीख के क्या करेंगे। आप इसको रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे कि मैं अपने ऑफिस के अंदर में या किसी पर्टिकुलर काम में इसको कहाँ पे यूज करूं, ये आपको समझ में अभी नहीं आ रहा, लेकिन ये चीज समझ में तब आएगी जब मैं रियल लाइफ प्रॉब्लम में सॉल्व करूंगा। तो किसी ट्रेनिंग सेंटर में जो एक ट्रेनर है, टीचर है, किताब लेके आपको फीचर्स बता सकता है कि कौन सा फीचर्स क्या कर सकता है, और मैं यहाँ पे मेरा अटेंशन कतई नहीं है कि किसी टीचर है, किसी ट्रेनिंग सेंटर को कम आंकना या उनकी इंसल्ट करना, जस्ट मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं जो कि मैंने खुद अपने लर्निंग लाइफ में रिवील किया है।
अगर इसी चीज को अगर मैं पढ़ाऊंगा इसी सेम टॉपिक को, तो सबसे पहले मैं एक प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा कि मुझे परसेंटेज लिखना है, तो 20 और परसेंट का सैंबल देंगे, एंटर मारेंगे, देन यहां पे परसेंटेज होगा। अगर मैंने यहां पे 20% टाइप किया और इसके ऊपर अगर जाके हमने होम मेनू बार के अंदर परसेंटेज अप्लाई किया, तो यहाँ 2000% है, मतलब 1 = 100% होता है एक्सेल में। अब यहां पे एक चीज समझने से हमको पता चलता है कि अगर मुझे टाइप करने के बाद परसेंटेज सिंबल से परसेंटेज में बना कन्वर्ट करना है नंबर को, तो मुझे नंबर को डेसिमल में लिखना होगा, मतलब मुझे 20 ना लिख के मुझे लिखना होगा 0.20। अगर इस पे अगर मैं परसेंटेज का सिंबल देता हूं तो 20% होता है। तो आप लोगों को परसेंटेज का वर्किंग समझ में आ गया कि परसेंटेज कैसे वर्क करता है एक्सेल में? आप लोगों को कोई डाउट होगा तो उसमें पूछ लीजिएगा, हेजिटेट मत होइएगा, ठीक है? मैं हर क्वेश्चन को वेलकम करता हूं क्योंकि आपकी क्वेश्चन मेरे लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी होता है। अब यहीं पे एक प्रॉब्लम थी कि हमारे एक कलीग थे, मुझे एक डेटाबेस दे थे, वो डेटा की हेडिंग परसेंटेज देते, क्या देते थे? परसेंटेज देते। तो यहां पे और डेटा को लिख देते थे नंबर में, जैसे कि यहां पे लिख दिया गया है, किसमें लिख दिया गया है? नंबर में, और मुझे भेज देते थे। ऐसे मुझे कई जगहों से डेटा आता था जिसका यूज मुझे अपने रिपोर्ट्स में, अपने डेटा में करना होता था। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे कलीग के हिसाब से 34% है, बट एक्सेल के हिसाब से 34 नंबर है, मतलब अगर मुझे 500 का 34% निकालना है और 34% इन द परसेंट सिंबल में है, तो क्या करेंगे? वी जस्ट मल्टीप्लाई। लेकिन अगर मैं इसको 34 को नंबर में रखूं और मल्टीप्लाई करूं, तो मेरा रिजल्ट गलत आएगा और मुझे जरूरत पड़ेगी अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कुछ एडिशन करने का, जैसे कि डिवाइड बाय 100। आशुतोष जी, आप बोल के माइक अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं, क्योंकि मैसेज में मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं सर। मैसेज मेरी सेकेंड स्क्रीन पे होती ओके है। सर, ओके सर, ओके तो यहां पे 100 करेंगे तब जाके रिजल्ट आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे ऐसे 30-40 लोग डेटा भेजते हैं, जिसमें से मोस्टली लोग डेटा जो है इसी तरह से भेजते हैं। कुछ लोग 5-10 लोग ऐसे हैं जो कि डेटा माने कि इस तरह से नंबर भेजते हैं, बाकी नॉर्मल जो इसमें डेसिमल्स में नहीं भेजते, मतलब कि क्या बोला मैं, हाँ परसेंटेज में बोल भेजते हैं, नंबर में ना भेजते हैं, परसेंटेज में भेजते हैं। अब मुझे इसको अपने डेटा में यूज करने से पहले सिंपली इसको परसेंट में कन्वर्ट कर। अब कुछ लोग बोलेंगे सर परसेंटेज दबा दीजिए, परसेंटेज का सिंबल, अगर मैं यहाँ परसेंटेज सिंबल दबा दिया तो क्या हो जाएगा? 3400%, 5600%, क्योंकि मैंने पहले ही समझाया आपको यहां पे एक्सेल में 1 = 100% होता है, तो डायरेक्ट परसेंट सिंबल लगाने का सवाल ही नहीं उठता है। अब मेरे पास दो तरीके हैं इसको कन्वर्ट करने के। पहला कि मैं एक एक करके जाऊं, परसेंटेज का सैंबल दू, एंटर मारू, परसेंटेज का सैंबल दू, एंटर मारू, डबल क्लिक करो, परसेंटेज का सैंबल दू, एंटर मारू, डबल क्लिक करो, परसेंटेज का सैंबल दू, एंटर मारू। बट अगर डेटा 30-40 कॉलम का, 30-40 डेटा है सेल्स का है तो कर लीजिएगा, लेकिन यही डेटा अगर 1000, 2000, 10000, 5000, 1 लाख हुआ तो पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा तरीका है मेरे पास कि मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दूंगा, जैसे 0.34, 0.56, फिर इसके ऊपर मैं परसेंटेज का सिंबल अप्लाई कर दूंगा। अब आप लोग बोलेंगे सर बात तो बराबर हुई, मैं डबल क्लिक करके परसेंटेज लगाऊं या डेसिमल में कन्वर्ट करके परसेंटेज लगाऊं, करना तो मुझे मैनुअल पड़ेगा और टाइम तो उतना ही लगेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका जो सॉल्यूशन है वो सिंपल है। इससे पहले जो मैंने एग्जांपल बताया पेस्ट स्पेशल का, हम उसी एग्जांपल का यूज करेंगे।
हम यहां पे लिखेंगे 100, इसको कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड पेस्ट स्पेशल, और मैं यहां पे दे दूंगा जस्ट डिवाइड। अगर हर नंबर को मैं डिवाइड करूंगा किससे, 100 से, तो जाहिर सी बात है नंबर्स सारा का सारा किस में हो जाएगा, डेसिमल पैलेस, और मैं परसेंटेज लगा दू। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया, क्योंकि तो बड़ी एग्जांपल मैं बताऊं तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, इसलिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया कि आपके एडवांस एक्सेल कहलाता क्या है। एडवांस एक्सेल हम फीचर्स को एडवांस तरीके से अपने ऑफिशियल वर्क को ऑटोमेट करने के लिए जो यूज करते हैं उसी को कहा जाता है। समझ में आ गया सभी को? यस यस। अब चलिए हम बात करते हैं कोर्स के ऊपर, ठीक है ना। आप कोर्स, मेरे जो कोर्सेज है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि क्या है कोर्स। तो मैं आप लोगों को जो भेजा था, फोटो भेजा था जिसपे आपने मुझे कमेंट किया था, मैं इसी फोटो को ओपन करता हूँ। बेसिकली इसमें तीन कोर्स है, पहला है आपका एक्सेल 2021, दूसरा है आपका डेटा एनालिटिक्स विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और तीसरा है आपका वीवे मार्कअप। हालांकि तीन अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं। जैसे कि इसका हम अगर इसकी पूरी फुल कंटेंट की बात करें तो मैं एक बार फुल कंटेंट आपको दिखा रहा हूं, दो मिनट दीजिए। देखिए सबसे पहला कोर्स है एडवांस एक्सेल विथ फॉर्मूला, एडवांस एक्सेल विथ फॉर्मूला एक कंटेंट है। सबसे पहला एडवांस एक्सेल विथ फॉर्मूला जिसकी ड्यूरेशन 35 से 45 घंटे के आसपास पड़ेगी, राइट। इसके अंदर क्या क्या कवर है, तो इसके अंदर एक्सेल के मोस्टली सारे फीचर्स, 300 फॉर्मूले इसके अंदर कवर। इसके अंदर कवर क्या नहीं है, इसके अंदर कवर नहीं है हमारा डैशबोर्ड। बोले से डैशबोर्ड तो दिया हुआ है, हाँ इसमें हम डैशबोर्ड का छोटा सा पार्ट, मतलब एक या दो डैशबोर्ड ही कवर करते हैं। लेकिन अगर आप ज्वाइन करते हैं हमारा डेटा एनालिटिक्स विद एक्सेल विद डैशबोर्ड, तो इसमें ए वाला कोर्स तो इंक्लूड है, ये जो पहला कोर्स जो है ए जो है ये तो इंक्लूड है। उसके अलावा इसमें 500 से ऊपर फॉर्मूले, इसमें आपको 500 से ऊपर फॉर्मूले और साथ में डैशबोर्ड पूरी की पूरी पावर क्यूरी, और इसमें डेटा इंपोर्टिंग और एसक्यूएल वगैरह कैसे यूज करते हैं एक्सेल के अंदर, वो सारे इसमें कवर करने की कोशिश की गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे बार बार मैं डैशबोर्ड का जिक्र कर रहा हूं, आपकी डैशबोर्ड होता क्या है, तो चलिए कुछ डैशबोर्ड दिखाते हैं। अभी भी सुबह मैंने 8 बजे एक डैशबोर्ड की क्लास ली है, चलिए इसी को हम दिखाते हैं। डैशबोर्ड इसको कहा जाता है, ये हमारे पास डेटा है जो दिख पा रहे, इसी डेटा को मैंने कुछ कैलकुलेशन कुछ विजुलाइजेशन की मदद से यहां निकाला हुआ। जैसे यहां पे देखिए चार अलग अलग केपीआई है, होम मतलब जहां पे मुझे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है, मुझे यहाँ पे टॉप, क्योंकि ये जो डेटा है ये बेसिकली चैनल डेटा है उसके ऊपर बना है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करते मैं पहुंच जाऊंगा अपनी यहाँ इस रिपोर्ट, फिर इस पे क्लिक करते मैं सर्च बारे में पहुंच जाऊ, सर्च बारे इस तरह की विजुलाइजेशन। अगर मैं कोई और विजुलाइजेशन दिखाता हूं तो चलिए एक और विजुलाइजेशन है इसकी हम बात करते हैं, दिख रहा है। अब ये जो विजुलाइजेशन है मंथली और डेट वाइज मेरी सेल्स की टोटल समरी है, सिंपल है, कोई खास इसमें चीजें नहीं है। थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं और फिर दिखाते हैं कि और क्या क्या है इसके अंदर। एक और डैशबोर्ड जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारा एक्सेल पे बना गया है, इसको बनाने में घंटा से 1.5 घंटा का टाइम लगा है, कोई बड़ा टाइम नहीं लगा है। इसकी बात देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड, तो इस तरह की 15 से 20 डैशबोर्ड कवर होता है हमारी इस कोर्स के अंदर। कौन सी कोर्स के अंदर, जो दूसरा कोर्स है उसके अंदर, जिसकी फीस आपको 10,000 पड़ेगी। ये तो बात हुई एक्सेल की।
अब बात करते हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। अब बोलेंगे कि वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का क्या यूज होता है, तो मैं यूज में सिंपल एक एक सिंपल से उदाहरण दे रहा हूं जिससे पता चल जाए, कोई बड़ा उदाहरण नहीं दे रहा हूं कि वीवीए का यूज क्या होता है। वीवीए काम होता है ऑटोमेशन क्रिएट करने की। क्या क्रिएट करने की? ऑटोमेशन। जैसे मुझे एक एडवर्टाइजमेंट मेल करनी होती है, जैसे आप देख पा रहे हैं मुझे ये मेल करनी है, और बोलेंगे कौन सी बड़ी बात है, कर दीजिए मेल। लेकिन मुझे ये मेल इंडिविजुअली 1,72,000 ईमेल आईडी पे करनी है। किस पे करनी है? 1,72,000 ईमेल आईडी। देख सकते हैं यहाँ पे काउंट। तो क्या लग रहा है, पॉसिबल है? नहीं। इसको अगर मैनुअल करने बैठेंगे तो कम से कम आपको 2-3 महीने तो लग जाएंगे। एक दिन में बहुत करेंगे तो 2,000 करेंगे। लेकिन मैंने इसके लिए प्रोग्रामिंग कर रखी है। अब देखिए आपके सामने मैं यहाँ पे 3101 से मैं 100 दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा पे टाइम लग जाएगा। पार्टी प्लीज म्यूट कर लीजिए। जैसे दूर अब यहां पे देखिए कि मैंने इससे पहले मेल भेजा हूं, मेल सिन आईडी बता देता हूं। दिख रहा है भेजा हुआ है, तो मुझे कुछ नहीं करना है। ये मैंने यहाँ पे कोड में चेंज किया, हालांकि चेंज इसलिए किया ताकि आपको पता मैं 100 भेजूँ, क्योंकि ज्यादा भेजूंगा तो ये 1-1.5 घंटा लगा देगा। अब मैं इस पे आता हूं और माइक्रोज को जस्ट रन कर देता हूं। रन करते ही आप देखेंगे कि 100 मेल भेजने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा का टाइम आपको लगेगा, और उसमें भी गलती हो सकती है कि आप एक मेल को दो बार, एक आदमी को 2 बार मेल भेज दें या किसी को छोड़ दें, क्योंकि जब आप मैनुअल काम करते हैं तो उसमें आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, एरर्स होते हैं। ये अपने आप जा रहा है, मैंने कुछ नहीं कर रहा, मैं हाथ खड़ा कर रखा है और ये अपने आप जा रहा है। इसको मैं और स्पीड कर सकता हूं, बट आपको दिखाने के लिए मैंने इसका स्क्रीन अपडेटिंग ट्रू कर रखा। तो इसी तरह का जो ऑटोमेशन होता है कि 100 फाइलें हैं उसको ऑटोमेटिक मुझे एक डेटा के अंदर कंपाइल कर देना है, मुझे एक रिपोर्ट बनानी है, ऑटोमेटिक रिपोर्ट पे डेटा फिल हो जाना है, ये सारा काम वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग से होता है। वो हमारा जो है थर्ड कोर्स है। तीनों कोर्स अगर आप लेते हैं जिसकी फीस आपको पड़ेगी 20,000, अगर आप सिर्फ वीवीए करते हैं तो फीस पड़ेगी आपकी 10,000, अगर आप सिर्फ एडवांस एक्सेल करते हैं तो फीस पड़ेगी 7,500, और आप एडवांस एक्सेल विथ डैशबोर्ड लेते हैं तो 10,000 इसकी पड़ेगी। पर हाँ, आपको जो मैं सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा लेटेस्ट एक्सेल, जी ऑफिस 365 आपको लेटेस्ट एक्सेल सिखाया जाएगा, जिसमें हर तरह के फॉर्मूले, जैसे कि लैम्डा फॉर्मूला हो गया, जैसे कि एक्स लुकअप फॉर्मूला हो गया, पावर क्यूरीज होंगे, ये सारे फॉर्मूले जिसके अंदर कवर। टाइमिंग की बात करूं तो क्लास की टाइमिंग 45 मिनट के आसपास रहेगा, लेकिन ये एवरेज होगा। कोई क्लास हो सकती है कि आपकी 1 घंटे से ऊपर चली जाए, कोई क्लास आपकी 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, कोई क्लासेस की ड्यूरेशन डिपेंड करती है टॉपिक के ऊपर, आपके क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे क्लास खत्म होते ही आपने मुझसे 10-20 सवाल पूछ डाले तो जाहिर सी बात है कि टाइम लगेगा। अगर आपने सवाल नहीं पूछे तो ये चीज जल्दी हो जाएगी, ठीक है? और डिपेंड करता है आपके क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये आपकी क्लास होगी। अगर टाइमिंग की बात करें, अगर मॉर्निंग में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में आपको 8:30 नहीं 8:30 हाँ मॉर्निंग में 8:30 का टाइम मिल जाएगा। इवनिंग में बात करें तो शाम को 6 बजे और रात को 9:30 बजे का टाइम आपको मिल जाएगा। मंडे से बैच स्टार्ट होगा, आपको ज्वाइन करना होगा तो मुझे व्हाट्सएप पर कर दीजिए। आज जो डिस्कशन की है उसकी रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में आपके व्हाट्सएप पे मैं भेज देता हूँ, आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा।